Assalamu alaikum students, today we are going to start our new topic which is about multiplication of algebraic expressions, page number 113. Okay, we know that 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is equals to 81. This can be written as 3 raised to the power 4 is equals to 81. In this case, 3 is called the base and 4 is the power of 3. And 81, the product, is the 4th power of 3. इन अलजब्रा ए मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. अब ए को हम टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वेयर. ए को जब हम थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास उसके इसमें क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर 3. अब ए 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वेयर के साथ, ठीक है. यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर 5, ठीक है. सो ए रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ए रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू, बेस हमारे पास क्या आ रही है दोनों में, ए एंड पावर या एक्सपोनेंट्स मेरे पास डिफरेंट है जो कि मैंने ऐड अप करनी है. ए रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर 5 आ रहा है. When we multiply two powers having the same base, we add the exponent. जब भी आप two powers को multiply करोगे, ठीक है, जिनकी same base होगी, तो उस case में हमने exponents को add up करना पड़ेगा, ठीक है. लाइक यहाँ पे मेरे पास टू पावर्स कौन सी थी, 3 और 2, ठीक है, और जिनकी बेस क्या है, ए, ठीक है. सो मैंने क्या किया, उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड अप कर लिया. सो ए रेज पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू ए रेज पावर 5. नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर इज 114. द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विद लाइक साइन इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ द टू टर्म्स विद अनलाइक साइन इज नेगेटिव. अब जो टू टर्म्स का जब आप प्रोडक्ट लोगे विद लाइक साइंस, ठीक है, सो उस केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव. और जब मेरे पास टू टर्म्स जिनके अनलाइक साइंस आ रहे होंगे तो उस केस में मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव. अब लाइक प्लस ए प्लस बी है, लाइक साइंस है, प्लस प्लस है, ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है. एंड देन प्लस ए है, माइनस बी है, एन लाइक साइंस है, तो उसमें उस केस में मेरे पास प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है. देन माइनस ए है, प्लस बी है, अनलाइक साइंस है, उस केस में मेरे पास प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है. एंड देन मेरे पास माइनस ए माइनस बी है, लाइक साइंस है, तो उस केस में मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव. पावर ऑफ अ पावर, टू फाइंड द पावर ऑफ अ पावर वी मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट. जब भी आपको पावर फाइंड आउट करनी हो किसी भी पावर की, ठीक है, सो आप लोग उसके एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हो. फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब रेज टू पावर क्या आ रही है, 2. सो मैंने एक्सपोनेंट्स को किया मल्टीप्लाई, 3 रेज टू पावर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास क्या आता है, 6. एक्स रेज पावर 6 आ रहा है, ठीक है. या फिर आप इसको ओपन करके लिख सकते हो, एक्स रेज पावर 3 रेज पावर 2 है ना, एक्स 3 रेज टू पावर 2 है, जिसको मतलब एक्स 3 को मैं 2 टाइम लिख सकती हूँ. बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड अप कर लिया तो उस केस में मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स रेज टू पावर 6, ठीक है. या फिर आप सिंपली एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हो, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है. देन एक्स रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 है, एक्सपोनेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज टू पावर 20 आ रहा है, ठीक है. इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 14 में आप देखो 3x रेज टू पावर 2 है, ठीक है. तो आप 3x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3x की पावर 2 आ रही है. देन कोफिशिएंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 × 3 = 9 हो गया, ठीक है. या फिर आप 2 टाइम्स 3 लाए कर रहे तो 3 रेज़ टू पावर 2 भी लिख सकते हो. एंड देन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर. सो 9x स्क्वेयर इज द रिक्वायर्ड आंसर. इसी तरह 5b4 है, या तो आप 5b को 4 टाइम्स लिखो, कोफिशियंट्स को मल्टीप्लाई करो एक साथ, ठीक है, एंड देन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करो और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. या फिर आप 5 के ऊपर अलग एक्सपोनेंट ले लो या बी के ऊपर अलग एक्सपोनेंट ले लो. 5 रेज़ टू पावर 4 मेरे पास 625 आता है, ठीक है, एंड बी 4 आ गया, ठीक है. देन यहाँ पे -2x² y³ है, -2 के ऊपर मैंने सेपरेट एक्सपोनेंट ले लिया, x² के ऊपर सेपरेट, एंड देन y³ के ऊपर सेपरेट एक्सपोनेंट ले लिया, ठीक है. देन -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो -8 आ रहा है. x² raised to power 3 को मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो x² raised to power 6 आ रहा है. देन y³ raised to power 3 है, ठीक है, 3 × 3 मेरे पास 9 आएगा. सो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ रहा है, -8x(6, y)9. ऑलराइट, अब नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब आप किसी भी पॉलिनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, टू मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल वी यूज द फॉलोइंग रूल. अब किसी भी बाइनोमियल को आप जब मोनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आपने क्या करना है, ए को सेपरेटली बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन साइन
जो भी आपके पास गिवन है, प्लस है तो प्लस, नेगेटिव साइन है माइनस का साइन है तो आप माइनस पुट करोगे, देन ए मल्टीप्लाई बाय सी. इसी तरह ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी. हेयर ए प्लस बी इज अ बाइनोमियल एंड सी इज अ मोनोमियल. ठीक है, सो ए मल्टीप्लाई बाय सी हो गया, साइन आपने पुट करना है प्लस का, एंड देन बी मल्टीप्लाई बाय सी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है ए प्लस टू बाय फाइव को, ए प्लस टू को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय फाइव. हेयर ए प्लस टू इज अ बाइनोमियल एंड फाइव इज अ मोनोमियल, सो फाइव मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा, प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू, फाइव ए प्लस 10 इज द आंसर. इसी तरह मेरे पास जो है a माइनस थ्री बाय मल्टीप्लाई करना है a बाय माइनस थ्री को आपने 8 के साथ, सो आपने 8 को सेपरेटली a के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, एंड देन 8 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. साइन क्या होगा, नेगेटिव. सो 8a माइनस 83 इज अ 24 होता है, 8a माइनस 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर. इसी तरह आप एग्जाम्पल नंबर 18 को भी सॉल्व करोगे, जैसा एग्जाम्पल नंबर 16 एंड 17 सॉल्व हुई है. ऑलराइट, जब जैसे आपने 3b को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन 3b को 5b के साथ मल्टीप्लाई किया, 3b मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6b माइनस 3b मल्टीप्लाई बाय 5b, 3 5 जा 15 एंड b स्क्वायर यहां पे मेरे पास वेरिएबल आ जाएगा बिकॉज b यहां पे 2 टाइम्स लाई कर रहा है. ठीक है, सो 6b माइनस 15 b स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर इज 115. अब किसी भी बाइनोमियल को आप बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करोगे, उसके लिए ये रूल है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी इज इक्वल टू, आपने ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, देन ए को मल्टीप्लाई किया डी के साथ, देन बी को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, देन ए को मल्टीप्लाई किया डी के साथ. अब साइन दोनों में पॉजिटिव है, प्लस का साइन है तो हमने प्लस के साइन है मिड में पुट करने है. ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे पास बाइनोमियल है, दिस इज अ बाइनोमियल और ये भी मेरे पास एक बाइनोमियल है. आपने मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले 6m को मैंने 2m के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 6m को आपने n के साथ मल्टीप्लाई किया और बीच में मेरे पास प्लस साइन आएगा. ठीक है, देन यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ 3n है, सो 3n को आपने 2m के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 3n को आपने n के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे नेगेटिव साइन आपने पुट करने. ठीक है, बिकॉज 3n के साथ आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है. मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 12m square plus 6mn minus 6mn minus 3n square. ठीक है, अब 12m square as it is, प्लस माइनस मेरे पास माइनस होता है, 6mn will be cancelled out with 6mn माइनस 3n square. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 21 भी सॉल्व करनी है, बट यहां पे मेरे पास एक तो ट्राइनोमियल गिवन है और एक बाइनोमियल. ठीक है, सो आप बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली आपने पहले x को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस टू को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, x को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, देन माइनस टू को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x स्क्वायर. आपको पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर आपके पास नेगेटिव साइन होता है तो आप अंदर वाले जो साइन है वो चेंज कर देते हो, प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, सो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 5 10. ठीक है, अब आपने एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स के जो वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेना और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा. यहाँ पे तो एक ही कांस्टेंट आ रहा है 10, तो उसके साथ और कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक्स क्यू प्लस, यहाँ पे आप प्लस माइनस माइनस होता है. ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे आपके पास जो है इट्स अ माइनस साइन नॉट प्लस, माइनस माइनस प्लस. सो आप 5 प्लस 6 करोगे तो 11x आएगा, 6 इज द ग्रेटर वैल्यू और उसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव का, सो मैंने नेगेटिव साइन पुट कर दिया प्लस 10. सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. एग्जांपल नंबर 22 में भी आपने पहले इन सब टर्म्स को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. ठीक है, आप पहले इसको मतलब इसके एक्स स्क्वायर को पहले एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x को एक्स माइनस 1 के साथ, देन माइनस 1 को एक्स माइनस 1 के साथ, देन एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 1 के माइनस प्लस 1 के साथ किया, माइनस 2x को एक्स प्लस 1 के साथ किया, प्लस 1 को एक्स प्लस 1 के साथ किया. ठीक है, देन 2x को x के साथ एंड 2x को 1 के साथ. ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टर्म्स आ जाएंगी, आपने एक्स क्यूब वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लिया. ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. ऑलराइट, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 116, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस.
ओके okay, अब यहाँ पे एक्स सेवन डिवाइडेड बाय एक्स फोर है, ठीक है। जब भी आपके पास सेम मतलब सेम बेसिस के साथ डिफरेंट एक्सपोनेंट्स लाए कर रही होंगी ना, तो आपने सिंपली क्या करना होता है, आप सिंपली उन एक्सपोनेंट्स को माइनस कर दिया करो, ठीक है। सो अब मेरे पास एक्स सेवन एक्स रेज पावर सेवन डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर फोर आ रहा है। एक्स रेज पावर सेवन मीन्स एक्स को सेवन टाइम मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज पावर फोर मीन्स एक्स को फोर टाइम मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब एक्स दिस एक्स विल बी कैंसिल आउट विद दिस, ये वाला एक्स इसके साथ, ये वाला एक्स इसके साथ, ये वाला एक्स एक्स इसके जिसके साथ, ठीक है। तो मेरे पास फोर एक्स आएंगे, थ्री एक्स आएंगे सॉरी, ठीक है। सो एक्स रेज पावर थ्री आ रहा है। मैंने वही बात आपको बताई कि अगर आप बेसिस आपके पास सेम आ रही है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है, और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो आप सिंपली एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास वही सेम आंसर रहेगा। तो एक्स रेज पावर सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स रेज पावर थ्री। देन एक्स रेज पावर थ्री डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर फाइव आ रहा है, ठीक है। बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, ठीक है। आप पावर्स को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास एक्स रेज पावर माइनस टू आ रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको ओपन करके भी सॉल्व करते हो, तो उस केस में भी मेरे पास एक्स रेज पावर माइनस टू ही आएगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब वही आपने साइन रूल्स फॉलो करने हैं, डिवीजन में भी जो मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करते रहे हो, ठीक है। लाइक साइंस में आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब अनलाइक साइंस होंगे तो उस केस में आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 23 है, सिंप्लीफाई 12x³ डिवाइडेड बाई 4x³। आपने क्या करना है, अब डिवाइड हो रहे हैं, आप कोफिशेंट्स को कोफिशेंट्स पे डिवाइड करोगे, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स पे, ठीक है। सो 4 विल बी कैंसिल आउट विद दिस 12, सो 4 3 आपके पास 12 होता है, 3 आ गया। एंड आपके पास यहाँ पे बेसिस सेम आ रही है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो आपने पावर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो एक्स रेज टू पावर थ्री माइनस टू विच इज इक्वल टू एक्स, सो 3x इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई एक्स टू रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाई एक्स थ्री रेज टू पावर टू। आपने डिवाइड किया, ठीक है, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स टू मल्टीप्लाई बाई फोर इज इक्वल टू एट आएगा। देन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है। बेसिस सेम है, पावर्स का आपने कर दी सब्ट्रैक्ट, और आपके पास आंसर आ रहा है एक्स रेज टू पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट इज 15x² माइनस 10xy डिवाइडेड बाई 5x। आपने इस टर्म को 5x पे डिवाइड करना है सेपरेटली। मैंने 5x को 15x² से डिवाइड कर लिया, ठीक है। देन 10xy को मैंने 5x पे डिवाइड कर लिया, ठीक है। देन आप इन्हें क्या करना है कि अपने कोफिशियंट्स को आपने सेपरेटली डिवाइड किया, 15 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 3, 5 विल बी कैंसिल ओवर दिस 15, तो मेरे पास 3 आ रहा है। एंड यहाँ पे बेसिस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है, तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सो एक्स रेज पावर 2 माइनस 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह 5 विल बी कैंसिल ओवर विद दिस 10, तो मेरे पास 2 आ रहा है। एक्स विल बी कैंसिल ओवर विद दिस एक्स, या फिर आप इसकी बेसिस सेम है, पावर्स को माइनस कर दो, 1 माइनस 1, ठीक है। एंड देन वाई मेरे पास 7 11 है, ठीक है। वाई बिकॉज डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई वाई नहीं था, और सो वाई एज इट इज ही आएगा। सो 3x माइनस 2x रेज टू पावर 0 y आ रहा है। अब किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 आती है तो उसका आंसर क्या होगा, 1। सो ये x रेज टू पावर 0 तो 1 हो गया, सो 2y आ रहा है इस केस में, ठीक है। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 2y इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये वही वाली रीजन मैंने आपको बताई हुई कि एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास जब ये 1 हो गया तो मेरे पास 2y आ गया, सो 3x माइनस 2y इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली ये एग्जाम्पल भी आप इसी सेम पैटर्न पे सॉल्व करोगे जिस तरह आप लोगों ने ये एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 117। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन, वट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन, एक्स प्लस वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अब विच इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस जेड डिवाइडेड बाई ए। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन। आपने सेपरेटली हर एक टर्म को डिवाइड करना है ए पर, ठीक है। एंड साइन यहाँ पे प्लस है, तो आप प्लस पुट करोगे, नेगेटिव साइन होता माइनस साइन होता तो आप यहाँ पे माइनस साइन पुट करते, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 30 है, सिंप्लीफाई 6a raised to power 4, x raised to power 3, minus 30a raised to power 3, x raised to power 2, plus 24 raised to power 5, x raised to power 3 divided by 6a³x³, ठीक है। अब आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है जिसको आपने डिवाइड करना है बाय अ मोनोमियल। सेपरेटली आप हर एक टर्म को डिवाइड कर दो बाय 6a³x³ के साथ, ठीक है। अब दिस विल बी कैंसिल आउट विद दिस 6, 6 5s आपके पास 30 होते हैं, 6 4s 24। देन
बेसिस सेम है, पावर्स को आपने किया सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स को किया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इस केस में बेसिस सेम है, पावर्स कर दी आपने सब्ट्रैक्ट, इसी तरह यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स आपने सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। देन यहाँ पे भी आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स आपने सब्ट्रैक्ट कर दी, यहाँ पे भी आपके पास बेसिस सेम है तो आपने पावर्स को कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है a रेज़ पावर 1 देन x रेज़ टू पावर 0 माइनस 5 a रेज़ पावर 0 देन x रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 4 a रेज़ टू पावर 2 देन x रेज़ टू पावर 0, ठीक है। अब x रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 आएगा, सो मेरे पास a आ रहा है माइनस 5 x माइनस रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 4 x a स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज x रेज़ टू पावर 0 तो 1 हो गया। सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, a माइनस 5 बाय x, x टू पावर माइनस 1 है, सो ये डिनोमिनेटर में जब मैं x को लेकर जाऊंगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, प्लस 4 ए स्क्वेयर। इसी तरह एग्जांपल नंबर 31 भी आप लोगों ने सॉल्व करनी है सेपरेटली। पहले आपने ए स्क्वेयर को a पे डिवाइड किया, ए बी को a पे डिवाइड किया, बी स्क्वेयर को b पे डिवाइड किया, बी सी को b पे डिवाइड किया, सी स्क्वेयर को c पे डिवाइड किया, माइनस सी ए को c पे डिवाइड किया, ठीक है। देन आपने वेरिएबल्स को देख लेना है, सेम वेरिएबल्स हैं विद डिफरेंट पावर्स, तो आपने इनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास इस केस में जीरो आंसर आ रहा है। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डन विद दीज टॉपिक्स, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।